तो गाइज ये हमारी जावास्क्रिप्ट की सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में हमने जावास्क्रिप्ट के इंट्रो को देखा और इस वीडियो में हम वीएस कोड को डाउनलोड करेंगे। इसके अलावा हम वीएस कोड के कुछ बेसिक शॉर्टकट्स को देखेंगे और जावास्क्रिप्ट को इंप्लीमेंट करेंगे। जावास्क्रिप्ट को देखेंगे कि एचटीएमएल में कैसे लगाया जाता है, कहाँ लगाया जाता है और कैसे इसकी आउटपुट आती है, कैसे ये ब्राउजर में रन होता है। तो चलो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर और एक एक करके हम इन सब पॉइंट्स को देखते हैं। तो मैं अब अपने कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर आ गया हूँ, यहाँ पर मैंने ब्राउजर को ओपन किया है। तो चलो सबसे पहले हम यहाँ पर वीएस कोड को डाउनलोड करते हैं। तो मैं यहां पर सर्च करूंगा वीएस कोड फ्री डाउनलोड, या फ्री रहने देता हूं, अकेला वीएस कोड डाउनलोड। ठीक है, वीएस मतलब होता है विजुअल स्टूडियो कोड। ठीक है, तो अब मैं यहां पर क्लिक करता हूं जो फर्स्ट लिंक है, ठीक है, code.visualstudio.com। तो जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो ये हमारा ओपन हो रहा है। थोड़ा सा मेरा वाईफाई स्लो है इसलिए थोड़ी सी आपको सब्र करना पड़ेगा, थोड़ी सी वेट करनी होगी। तो ये देखो ओपन हो गया। आप विंडो में काम कर रहे हैं तो आप यहाँ पर इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप उबंटू में काम कर रहे हो या फिर रेड हैट में काम कर रहे हो तो आप इनको डाउनलोड कर सकते हो। ऐसे ही अगर आप मैक में काम कर रहे हो तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। तो मैं विंडो में काम कर रहा हूं तो मैं इसको डाउनलोड करूंगा। जैसे मैंने इसको क्लिक किया तो अब ये हमारा डाउनलोड होने लग जाएगा। अब ये देखो, ये हमारा डाउनलोड होने लग गया। ठीक है, मेरे पास पहले से वीएस कोड डाउनलोड है और इंस्टॉल है तो मैं सिंपल इसको कैंसिल कर देता हूँ। ठीक है, मुझे डाउनलोड नहीं करना, आप ऐसे उसको डाउनलोड कर लेना। जैसे आप बाकी के सॉफ्टवेयर और सॉफ्टवेयर को आप इंस्टॉल करते हैं वैसे ही वीएस कोड को इंस्टॉल कर लेना। ठीक है, तो इंस्टॉल करने के बाद हम आएंगे यहाँ पर डेस्कटॉप के ऊपर। यहाँ पर मैंने HTML जो हमारा पुराना कोर्स है, यहाँ पर जो सभी हमने फाइल्स लगाई हैं, ये देखो चैप्टर 1, 2, 3 ये सभी काम हमने कर लिया है। ये सभी सोर्स कोड मैंने आपको प्रोवाइड करा दिए हैं। तो अगर आप देखना चाहते हैं तो आप मेरे नीचे डिस्क्रिप्शन पर लिंक मिल जाएगा, वहां पर जाकर आप HTML और CSS को देख सकते हैं। तो अब क्या करते हैं, हम यहाँ पर मैं राइट क्लिक करता हूँ, यहाँ पर मैं न्यू पर जाता हूँ और यहाँ पर फोल्डर पर आता हूँ। यहाँ पर मैं एक फोल्डर बनाता हूँ जावा स्क्रिप्ट। ठीक है, इस पर हम जावा स्क्रिप्ट के सभी चैप्टर्स करेंगे। मैं जैसे इसको क्लिक करता हूँ तो ये हमारा, ये देखो पेज आ गया, फोल्डर ओपन हो गया। अब इस फोल्डर के अंदर मैं एक और फोल्डर बनाता हूँ, इस फोल्डर का मैं नेम दे देता हूँ बेसिक्स, यानी कि ये दूसरी वीडियो है सेकेंड, और यहाँ पर मैं कर देता हूँ बेसिक्स। ठीक है, तो अब ये देखो, अब अगर मैं यहाँ पर राइट क्लिक करता हूँ तो ध्यान से देखना, ये जो हमको दिख रहा है ना ओपन विद कोड और वीएस कोड का जो आइकन आ रहा है, तब आएगा जब आपने वीएस कोड को इंस्टॉल किया होगा। जब आपके कंप्यूटर पर सही से वीएस कोड इंस्टॉल हो जाएगा तब आपके पास ये आइकन आ जाएगा। तो आपने इसको क्लिक कर लेना है। तो अगर आपको वीएस कोड में कुछ भी डाउट आता है, आपसे वीएस कोड इंस्टॉल नहीं हो पाता, या फिर डाउनलोड नहीं हो पाता, या फिर आपके लैपटॉप पर सही से वर्क नहीं कर पाता, तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद ये देखो हमारे पास ये वाला आ जाएगा, वीएस कोड ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर वीएस कोड में फाइल्स ऐड कर सकते हैं। तो आप ध्यान से देखना, यहाँ पर ये हमारे पास आइकन सारे हैं। तो जो फर्स्ट आइकन है, थोड़ा सा जूम करता हूं, ये देखो ये जो फर्स्ट आइकन है, इस आइकन से हम फाइल को ऐड कर सकते हैं, जितनी चाहे फाइल्स हम इस आइकन से ऐड कर सकते हैं। तो ये जो सेकंड आइकन है, ये फोल्डर वाला आइकन है, इससे हम फोल्डर्स को क्रिएट कर सकते हैं, फोल्डर को ऐड कर सकते हैं। तो अब हमको यहां पर फाइल चाहिए तो मैं यहां पर क्लिक करूंगा और मैं यहां पर index.html कर दूंगा, HTML की एक फाइल बना लूंगा। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि जावास्क्रिप्ट एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, तो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज को यूज करने के लिए हमको किसी और का सहारा लेना पड़ता है। जैसे जावास्क्रिप्ट का यूज करने के लिए हम HTML का सहारा लेंगे, जावास्क्रिप्ट को हम HTML में ही लगाते हैं क्योंकि यह एक स्क्रिप्ट है। तो HTML में हम जावास्क्रिप्ट की स्क्रिप्ट लगाएंगे। तो ये देखना, index.html मैंने लगाया, अब मैं एंटर करता हूँ। ठीक है, तो इसको हम ऐसे कर देते हैं ऐसे। ठीक है, तो अब ये देखो, अब मैं इसको थोड़ा जूम आउट कर देता हूं। तो अब हम यहां पर index.html में सबसे पहले HTML को लगाते हैं। तो HTML को कैसे लगाना है, सिंपल, आपने यहां पर एक्सक्लेमेशन मार्क लगाना है। एक्सक्लेमेशन मार्क आप जैसे लगाएंगे आपके पास एमएड अब्रेविएशन आ जाएगा। तो ये सभी जो आपको कोड दिख रहा है सिर्फ आपको एक्सक्लेमेशन मार्क से ही आ जाएगा, आपने एंटर करना है। तो ये आपकी HTML की बोल्डर टेम्पलेट ओपन हो गई, HTML का सिंटैक्स आ गया है। कितना इजी है, आपको ये सबको लिखने की जरूरत नहीं पड़ी, सिंपल आपने एक्सक्लेमेशन मार्क लगाया तो ये आपका आ गया। तो ठीक है, तो अब हम यहाँ पर थोड़ा सा काम कर लेते हैं। जैसे मैं यहाँ पर लगा देता हूँ H1 के अंदर कोडिंग विद मन कीरत। ठीक है, सेव किया। अब देखना, अब मैं यहाँ पर इसको ओपन कर लेता हूँ, अपने फोल्डर में जाता हूँ, ये रहा मेरा फोल्डर। ठीक है, बेसिक वाला वीएस कोड पर मैंने जो फाइल बनाई थी वो यहां पर आ गई। ठीक है, अब मैं इसको ओपन करूंगा तो ये देखना यहां पर ओपन हो जाएगा। ये देखो कोडिंग विद मन कीरत यहां पर
लिखा आ गया, ठीक है, ये तो थी HTML। अब देखना, तो अब अगर मैं यहाँ पर जावास्क्रिप्ट का यूज करना चाहता हूँ तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ, जावास्क्रिप्ट का जहां, तो मैं यहाँ पर लगा सकता हूँ, सिंपल मैं यहाँ पर लगाऊं, ये देखो स्क्रिप्ट, और अब ऐसे इसको क्लोज कर दे, देखो, तो अब मैं यहाँ पर लगाता हूँ अलर्ट, और मैं यहाँ पर पैरेंथेसिस लगा देता हूँ। तो जैसे ही मैंने अलर्ट लगाकर पैरेंथेसिस लगाए तो ये हमारा एक फंक्शन बन गया, जो प्री डिफाइंड फंक्शन है। इसको हम आगे डिटेल में समझेंगे कि फंक्शन क्या होते हैं, प्री डिफाइंड फंक्शन क्या होते हैं और यूजर डिफाइंड फंक्शन क्या होते हैं, इसको हम आगे देखेंगे। फिलहाल आप इतना करेंगे, अलर्ट लगाएं और यहाँ पर पैरेंथेसिस लगा दें, तो जैसे ही आप यहाँ पर जाएंगे, ये देखो, इसको मैं रिफ्रेश भी करता हूँ, तो ये देखो यहाँ पर ये ऐसा बना जाएगा, इसको मैं क्लिक करूंगा तब ये ठीक हो जाएगा, फिर से इसको मैं रिफ्रेश करूंगा फिर से ये आ जाएगा। ये क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पर अलर्ट लगाया है। आपने बहुत सारी वेबसाइट देखी होंगी जो ऐसे ओपन हो जाती है, अलर्ट आपका यहाँ पर भी आ सकता है, वहां पर भी, कहीं पर भी आप इसको सेट कर सकते हैं। तो अब अगर मैं यहाँ पर कुछ लगाना चाहता हूँ, जैसे मैं यहाँ पर सिंगल कोट्स लगाता हूँ और मैं यहाँ पर लगा देता हूँ हेलो मनकीरत पर सेव करता हूं, तो अब अलर्ट के अंदर टेक्स्ट लिखा जाएगा। ये देखो जैसे मैं इसको रिफ्रेश करता हूं, देखो हेलो मनकीरत यहां पर आ गया। तो इसको ओके करेंगे तभी आप पूरी वेबसाइट पर काम कर पाएंगे, इसको देख पाएंगे। तो ये होता है अलर्ट, ठीक है। तो इसको मैं कहीं पर भी लगा सकता हूँ, इसको मैं स्क्रिप्ट को यहां पर भी लगा सकता हूँ। अगर मैं इसको यहां पर नहीं लगाना चाहता हेड में, इसको मैं लगा सकता हूँ नीचे बॉडी में, ठीक है। अब देखना अब भी सेम ऐसे ही वर्क करेगा, ये देखो, ठीक है। जावास्क्रिप्ट को हमेशा बॉडी में ही लगाया जाता है, नीचे लगाया जाता है, सबसे लास्ट में। सबसे लास्ट में इसलिए लगाया जाता है, अगर मैं सबसे लास्ट में ना लगाऊं, हेड पर लगाऊं, तो जावास्क्रिप्ट की जो फाइल्स हैं बहुत ज्यादा होती हैं, बहुत ज्यादा जावास्क्रिप्ट हो जाती है। तो जब भी वेबसाइट लोड होगी, सबसे पहले जावास्क्रिप्ट जब तक पूरी कंप्लीट वर्क नहीं करेगी, तब तक बाकी की जो पेज है, बाकी की जो वेबसाइट है, वो चलेगी नहीं। इसलिए हम जावास्क्रिप्ट को लास्ट में लगाते हैं कि पहले पूरी वेबसाइट एक बार रन हो जाए, लास्ट में स्क्रिप्ट रन हो, जो मैंने यहाँ पर स्क्रिप्ट लगाई है वो बाद में रन हो। अगर पहले रन होगी तो जो पूरी वेबसाइट का पेज है वो नहीं दिखेगा जब तक ये कंप्लीट नहीं होगी। तो इसलिए हम जावास्क्रिप्ट को सबसे लास्ट में लगाते हैं। पूरी वेबसाइट आपकी हो जाएगी, बाद में आपने स्क्रिप्ट को रन करवाना है, तो आप सबसे लास्ट में बॉडी से पहले स्क्रिप्ट को लगाएंगे। यहां पर आप कोई भी HTML कोडिंग कर सकते हैं, बिल्कुल लास्ट में आप स्क्रिप्ट को लगा सकते हैं यहां पर, ठीक है। तो अगर अब मैं यहां पर अलर्ट ना लगाऊं, अब मैं यहां पर अगर कंसोल लगा दूं, console.log, यह भी एक फंक्शन है, इसको हम आगे देखेंगे। मैं सिंपल आपको बता रहा हूँ कि कैसे स्क्रिप्ट को लगाया जाता है। तो अगर आपको इसमें कुछ भी समझ ना आ रही तो कोई बात नहीं, आप एक बार थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करना, आपको समझ आ जाएगी। सिंपल मैंने यहाँ पर कंसोल लगाया और डॉट लोग लगा दिया। अब मैं इसके अंदर कुछ भी राइट करूंगा तो वो हमको ब्राउजर के ऊपर नहीं देखेगा। जैसे अगर मैं यहाँ पर लगा दू, यहाँ पर मैं ऐड कर देता हूं कोडिंग विद मनकीरत, ठीक है, सिंपल मैंने ऐसे ऐड कर दिया। अब ब्राउजर पर चलते हैं, अब इसको रिफ्रेश करता हूं मैं, ठीक है। अब हम इसको इंस्पेक्ट करेंगे, राइट क्लिक किया, इंस्पेक्ट किया, क्योंकि हमको यहां पर तो दिख नहीं रहा, ये तो पहले जैसा ही है, आपको जो गलतफहमी हो रही होगी। तो हम यहां पर कोडिंग विद मनकीरत की जगह मैं यहां पर कर देता हूं, दिस इज जावा स्क्रिप्ट, ठीक है। अब देखना, तो ब्राउजर पर गए, ये देखो इंस्पेक्ट किया था, तो आपके पास जो जो ऑप्शन दिख रहा है ना कंसोल वाला, यहां पर आपको ये देखो दिखेगा जो आपने कंसोल में लगाया होगा, यहां पर ब्राउजर में आपको ये नहीं दिखेगा। अगर आप जावास्क्रिप्ट में कंसोल का यूज करेंगे तो आपको उस सभी जो आउटपुट है वो यहां पर दिखेगी, ना कि यहां पर। तो अगर मैं यहां पर कंसोल का सी बड़ा कर दूं, कैपिटल कर दूं, अब देखना, तो अब इसको मैं रिफ्रेश करूं तो ये एरर थ्रो करेगा। एरर क्यों आएगा, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि जावास्क्रिप्ट होती है वो केस सेंसिटिव होती है, यहां पर अपर लेटर और लोअर लेटर का अलग अलग मीनिंग होता है। अगर आप यहां पर सी स्मॉल कर देंगे, लोअर कर देंगे, तो अब देखना अब यहां पर एरर नहीं आएगी, क्योंकि अपर लेटर और होते हैं, लोअर लेटर और होते हैं, इनमें डिफरेंस होता है, एक नहीं होते, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहां पर ये देखो आ गया जावा, दिस इज जावा स्क्रिप्ट। तो बट अगर आप यहां पर ब्राउजर के ऊपर कुछ लगाना चाहते हैं तो उसके लिए हम डॉक्यूमेंट का यूज करते हैं, तो वो कैसे लगाएंगे। अब अगर मैं यहां पर डॉक्यूमेंट लगा दूं, इसको कमेंट बना देता हूं मैं, कमेंट, और यहां पर मैं स्क्रिप्ट लगा देता हूं,
तो अब यहां पर मैं लगाता हूं डॉक्यूमेंट। तो डॉक्यूमेंट क्या होता है, तो जब भी वेबसाइट ब्राउजर के ऊपर रन होती है तो ब्राउजर उसका एक डॉक्यूमेंट बना देता है। अब डॉक्यूमेंट के बाद मैं यहां पर लगाऊंगा राइट, ठीक है, और ऐसे ही पैरेंथेसिस, पैरेंथेसिस के अंदर मैं यहां पर लगाऊंगा, यहां पर सिंगल कोट्स या डबल कोट्स आप कुछ भी लगा सकते हैं। अब इसके अंदर मैं कुछ भी एंटर कर सकता हूं, दिस इज कुछ भी लगा दो, कुछ भी लिख दो, तो जो आप यहां पर लिखेंगे वो आपका ब्राउजर पर प्रिंट हो जाएगा। सेव किया तो देखना, तो इसको रिफ्रेश करते हैं, ये देखो माय नेम इज मनकीरत। तो ये आपका कोडिंग विद मनकीरत के नीचे आ रहा है, क्यों, क्योंकि हमने यहां पर स्क्रिप्ट पर नीचे लगाया है। अगर मैं इसको ऊपर लगाना चाहता हूं तो मैं इसको कहीं पर भी ऐड कर सकता हूं, इसको मैं यहां पर ऐड कर सकता हूं, ठीक है। तो अब देखना, फिर से रिफ्रेश किया तो ये ऊपर आ गया। तो कहीं पर भी आप पूरी वेबसाइट में कहीं पर भी आप स्क्रिप्ट को लगा सकते हैं, हेड में लगा सकते हैं, बॉडी के अंदर भी आप कहीं पर स्क्रिप्ट को लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये होती है स्क्रिप्ट। अब हम यहाँ पर जावास्क्रिप्ट के कुछ यूज देख लेते हैं। जैसे सिंपल मैंने आपको बताया कि कैसे हम यहाँ पर जो ब्राउजर पर स्क्रिप्ट को दिखा सकते हैं, कंसोल में कैसे लगाई जाती है, इसको हम आगे बहुत ही डिटेल में समझेंगे एक एक करके। ये सिंपल मैं आपको बता रहा हूं कि कैसे जावास्क्रिप्ट को इंप्लीमेंट किया जाता है। तो अब अगर मैं यहाँ पर इसको थोड़ा सा लॉन्ग कर देते हैं, अब अगर मैं यहां पर क्या करता हूं, मैं यहां पर ये स्क्रिप्ट तो रहने देता हूं, कोडिंग विद मनकीरत जो H1 है इसका टेक्स्ट चेंज करना चाहता हूं तो वो भी मैं जावास्क्रिप्ट से कर सकता हूं। कैसे करेंगे, मैं सबसे पहले यहां पर बटन बना लेता हूं, ठीक है, ये बन गया बटन, और यहां पर मैं दे देता हूं चेंज टेक्स्ट, मैंने ऐसे लगा दिया। चलो देखते हैं क्या आ रहा है, रिफ्रेश किया तो ये देखो चेंज टेक्स्ट आ गया। अब ध्यान से देखना, अब मैं यहां पर क्या करूंगा, बटन के अंदर अब मैं यहां पर लगाऊंगा ऑन क्लिक, ऑन क्लिक। ऑन क्लिक एक एट्रीब्यूट है HTML का, इसके अंदर हम जावास्क्रिप्ट को लगा सकते हैं। कैसे, जैसे मैं लगाया डॉक्यूमेंट। तो जब भी हम CSS में काम करते हैं, जैसे CSS में हम काम करने के लिए HTML के एलिमेंट्स को टारगेट करके फिर उस पर CSS अप्लाई करते हैं, वैसे ही जावास्क्रिप्ट में काम करते हैं, तब हम अगर किसी एलिमेंट को टारगेट करना चाहते हैं, उस पर जावास्क्रिप्ट अप्लाई करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमको उस एलिमेंट को टारगेट करना होगा। उस एलिमेंट को हम ID से टारगेट कर सकते हैं, क्लास से टारगेट कर सकते हैं, ये सब काम हम आगे देखेंगे। फिलहाल आप जो मैं कर रहा हूं आप उसको ध्यान से समझना। जैसे मैं सिंपल अगर किसी ID को टारगेट करना चाहता हूं, सबसे पहले तो मैं यहां पर ID बनाऊंगा, मैंने इसको चेंज करना है ना, तो मैं यहां पर लगा दूंगा ID, और यहां पर मैं कर देता हूं नाम कुछ भी दे देता हूं, H हेडिंग कर देता हूं, हेडिंग, ठीक है, ये मैंने ID दे दी। तो अब मैं यहां पर अगर किसी भी एलिमेंट की ID को टारगेट करना चाहता हूं, किसी भी एलिमेंट की ID पर स्क्रिप्ट लगाना चाहता हूं, तो मैं क्या करूंगा, मैं यहां पर लगाऊंगा गेट एलिमेंट By ID। आपको ध्यान रखना है ये कैसे लगाना है, आप ऐसे ही इसको लगा सकते हैं, अगर इसमें कोई भी अपर केस या लोअर केस कुछ भी लेटर का कोई मिस्टेक होगी तो वो रन नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पर पैरेंथेसिस लगाएंगे और इसके अंदर हम सिंगल कोलन का यूज करेंगे, तो यहाँ पर हम जो एलिमेंट की ID है वो बता देंगे। यहाँ पर मैंने बता दी हेडिंग, हेडिंग पर मैं ये जावास्क्रिप्ट अप्लाई करवाना चाहता हूँ। उसके बाद मैं यहां पर लगाऊंगा डॉट, मैं HTML में जो ये HTML है यहां पर कुछ करना चाहता हूं, तो मैं यहां पर लगाऊंगा इनर और HTML, HTML हमेशा अपर केस में लिखेंगे, इनर स्मॉल केस में, ठीक है, लोअर लेटर में हम इनर और अपर लेटर में हम HTML लगाएंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम ऐसा करेंगे, ठीक है, असाइन करेंगे HTML में क्या, मैं क्या चेंज करना चाहता हूं, मैं यहां पर लिखना चाहता हूं जावा स्क्रिप्ट सिंपल, ठीक है, ऐसे करके। तो जैसे ही मैंने ऐसे किया तो अब ये क्या हो रहा है, अब ध्यान से देखना, बटन मैंने यहां पर बता रहा है कि जब भी बटन ऑन क्लिक हो, बटन का टाइप बता देते हैं, टाइप इसका है, ये है बटन, ठीक है। तो मैंने यहां पर बटन लगा दिया, मैं यहां पर बता रहा हूं कि जब भी आपका जो बटन कोई क्लिक करे, यानी कि ऑन क्लिक हो, जो इवेंट है, जब भी आपका बटन ऑन क्लिक हो कोई क्लिक करे तो वहां पर ये अप्लाई हो जाए, ये क्या है कि इसकी जो ID है उस पर ये टेक्स्ट आ जाए। तो अब देखना, मैं इसको रिफ्रेश करता हूं, अब देखना जैसे ही मैंने चेंज टेक्स्ट किया तो ये देखो कोडिंग विद मनकीरत हट गया और यहां पर जावास्क्रिप्ट आ गया। तो ऐसे करके आप इसको चेंज कर सकते हैं। अब इसको मैं फिर से रिफ्रेश करता हूं
अब देखना, अगर मैं चेन टेक्स्ट करूं तो ये देखो है ना अमेजिंग। तो मैंने सिंपल आपको बता रहा हूं कि कैसे जावास्क्रिप्ट को इंप्लीमेंट किया जाता है। अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा कि ये मैंने क्या किया तो कोई बात नहीं, चिल करो, हम आगे धीरे धीरे बढ़ेंगे। बस आपको ये मैंने बताना था कि कैसे हम टेक्स्ट को चेंज कर सकते हैं, जावास्क्रिप्ट में काम करना कितना ही मजेदार है। इसके अलावा अगर हम इसकी सीएसएस चेंज करना चाहते हैं, जैसे मैं यहाँ पर थोड़ी सीएसएस लगा देता हूँ, या फिर मैं नहीं लगाता, मैं यहाँ पर कोई सीएसएस लगानी चाहता हूँ तो मैं इसको नीचे कॉपी पेस्ट कर देता हूं। आपको ध्यान रखना है, अगर मैं ये लाइन को नीचे लेकर आना चाहता हूं वीएस कोड में, कैसे करूंगा, मैं सिंपल यहां पर शिफ्ट और अल्ट को क्लिक करूंगा और डाउन एरो जैसे क्लिक करूंगा तो ये देखो एक और हमारे पास ये आ गई लाइन सेम ऐसे ही। तो अब यहां पर मैं ऑन क्लिक पर क्या लगाना चाहता हूं, यही आईडी है, ठीक है, आईडी मैं ये लगाना चाहता हूं, बट यहां पर मैं इनर डॉट एचटीएमएल की जगह लगाऊंगा स्टाइल, क्योंकि मैं सीएसएस में काम करना चाहता हूँ स्टाइल के बाद डॉट। इसके बाद मैं क्या स्टाइल चेंज करना चाहता हूँ, मैं इसका कलर चेंज करना चाहता हूँ, ठीक है, कलर पर असाइन कर देता हूँ मैं यहाँ पर रेड, ठीक है, और यहाँ पर मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, यहाँ पर ऐसे था ये क्लोज, ठीक है, सेव किया, चेंज यहाँ पर मैं कर देता हूँ, टेक्स्ट कलर कर देता हूँ, सेव किया। आप देखना तो रिफ्रेश करता हूं, ये देखो अगर मैं टेक्स्ट चेंज करूंगा तो ये टेक्स्ट चेंज हो गया, अगर मैं कलर चेंज करूंगा तो ये देखो इसका कलर रेड हो गया। रिफ्रेश करता हूं, ये देखो है ना अमेजिंग। तो ऐसे ही आप जावास्क्रिप्ट का यूज कर सकते हैं। जो तो मैंने सिंपल आपको बताया कि कैसे हम कलर को चेंज कर सकते हैं, कैसे हम टेक्स्ट को चेंज कर सकते हैं। अब हम यहां पर देखते हैं कि जो तो मैंने सिंपल थोड़ा जूम आउट करता हूं, ये तो हमने सिंपल एक ही फाइल में जावास्क्रिप्ट को देखा। अगर मैं ये सब एक फाइल में नहीं करना चाहता तो मैं यहां पर एक और फाइल बना लेता हूं, यहां पर मैं ये जो फाइल है, या फिर मैं यहां पर फोल्डर कैसे बनाते हैं वो देख लेते हैं। यहां पर मैंने एक फोल्डर बना दिया जावास्क्रिप्ट नाम का, ठीक है। अब जावास्क्रिप्ट का जो फोल्डर है इसके अंदर मैं अगर कोई फाइल बनाना चाहता हूं तो मैं राइट क्लिक करूंगा, न्यू फाइल्स पर गए और यहां पर मैं लगा देता हूं इंडेक्स, या फिर कोई भी फाइल का नेम दे देता हूं इंडेक्स डॉट। अब ध्यान से रखना, अब आपने एक्सटेंशन देनी है जेएस, जेएस मतलब जावास्क्रिप्ट। एचटीएमएल में काम कर रहे हैं तो एचटीएमएल, सीएसएस में काम कर रहे हैं तो डॉट सीएसएस, जावास्क्रिप्ट में काम कर रहे हैं तो डॉट जेएस, ठीक है, डॉट जेएस मैंने यहां पर लगा दिया। तो अब ये ऐसे बन गई। तो अब अगर मैं यहां पर कोई चेंजेस करना चाहता हूं, मैं यहां पर लगा देता हूं अलर्ट, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया। अब मैं यहां पर कर देता हूं हेलो दोस्तों, ठीक है, सिंपल सेव किया। अब यहां पर चलते हैं तो हमको यहां पर देखते हैं क्या दिखता है, कुछ भी नहीं दिखेगा। ये क्यों नहीं दिखा, अलर्ट क्यों नहीं आया, क्योंकि हमने फाइल बनाई है, फाइल को एचटीएमएल में ऐड नहीं किया। अगर हमको देखना है तो हमको एचटीएमएल में ऐड करना होगा, ठीक है। तो अब हम इसको ऐड कर लेते हैं, कहां पर ऐड करना है हमको, हेड में चलते हैं, यहां पर मैं ऐड कर लेता हूं। ये देखो यहां पर अगर मैं सिंपल ऐसा लगाऊंगा तो ये देखो हमको कितने सारे डॉक्यूमेंट करने लग जाएगा, ठीक है। अगर मैं यहां पर ये देखो स्क्रिप्ट आ गया, सैंपल स्क्रिप्ट आ गया, स्क्रिप्ट सोर्स आ गया, अगर मैं यहां पर सी लगा दूंगा तो ये देखो ऐसे सी सी से दो ही आते हैं, ठीक है, हमको स्क्रिप्ट नहीं चाहिए। अगर मैं स्क्रिप्ट करूंगा तो स्क्रिप्ट टैग आ जाएगा, यानी कि इसी फाइल में हम काम कर सकते हैं। नीचे हमारे पास है स्क्रिप्ट सोर्स, मतलब कि ये किसी और जावास्क्रिप्ट के पेज को लिंक करने के लिए होता है। अगर मैं जावा स्क्रिप्ट एसआरसी करूंगा तब ये देखना, अब मैं यहां पर कोई और पेज को यहां पर ऐड कर सकता हूं, जैसे ये इंडेक्स डॉट एच टी एम एल है। इंडेक्स डॉट एच टी एम एल हमारा कहां पर है, हमारा है जावास्क्रिप्ट के फोल्डर में। ये देखो जावास्क्रिप्ट के फोल्डर के अंदर इंडेक्स डॉट जी एस एस है। सिंपल आपको यहां पर ऐसा ही करना है, आपको लगाना है जावा स्क्रिप्ट, उसके बाद स्लैश इंडेक्स डॉट, आपके पास ये आ गई। अगर इसमें और सारी फाइल्स होती सभी फाइल्स आपकी यहाँ पर आ जानी थी, ठीक है, अब बट यहाँ पर सिर्फ एक ही फाइल है तो ये अब एक ही फाइल शो हो रही है, तो मैंने एंटर किया तो ये देखो अब सेव किया। अब देखना, अब मैं जैसे ही रिफ्रेश करूंगा तो ये देखो हेलो दोस्तों यहाँ पर आ गया, तो सेम ऐसे ही। अब मैं अगर सिंपल यहाँ पर ये जो कोड है इसको यहाँ पर ना लगाऊं, इसको यहाँ से कट कर दूं और यहाँ पर ऐड कर दूं तो ये देखना डॉक्यूमेंट डॉट राइट मन किरत हमारा अब आ जाएगा, जहां से कट कर दिया तो अब ये देखना अब ये यहां पर ऐसे ही आ रहा है। बट अगर मैं यहां पर अब यहां से मैं कमेंट बना दूं अब यहां से ये हट जाएगा, ठीक है, रिफ्रेश करता हूं ये देखो, ठीक है।
तो ये मैंने कमेंट कैसे बनाया ये हम आगे देखेंगे, ठीक है। सिंपल आपको अगर ये कमेंट बनाना है तो आप कंट्रोल और फॉरवर्ड स्लैश का क्लिक करेंगे, ये आपको कमेंट बन जाएगा, कमेंट से हट जाएगा। कमेंट को हम आगे के वीडियो में अच्छे से समझेंगे, कमेंट कैसे बनाए जाते हैं, किन किन टाइप के कमेंट्स होते हैं। हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कमेंट्स, वेरिएबल्स, फंक्शन, एरे ये सब होती हैं, बस इनको लिखने का टाइप अलग अलग हो सकता है, बट ये होते ही हैं। हर वेरिएबल भी होता है, एरे भी होता है, फंक्शन भी होता है। धीरे धीरे हम ये सबको एक एक करके ध्यान से समझेंगे, ठीक है। तो सिंपल आपको ये ऐसे बना लेना है। तो अब हम यहाँ पर VS कोड के कुछ शॉर्टकट्स देख लेते हैं, जिससे हमारा जो कोड है वो थोड़ा इजी हो जाता है हमको काम करना। सबसे पहले अब ध्यान से देखना, अगर मैं इस H1 को नीचे लेकर जाना चाहता हूं, ठीक है, जहां तो मैं क्या करता हूं, इसको कॉपी करता हूं, पहले सिलेक्ट करता हूं, फिर कॉपी करता हूं या कट करता हूं, फिर मैं इसको ऐसे नीचे लेकर जाता हूं, ठीक है, ये थोड़ा सा हमारा काम बढ़ जाता है। अगर मैं इससे भी कम टाइम में लेकर जाना चाहता हूं तो मैं क्या कर सकता हूं, तो मैं सिंपल यहां पर क्लिक करूंगा इस लाइन पर, इस लाइन को मैं ऊपर शिफ्ट करना चाहता हूं, तो मैं क्या करूंगा, मैं सिंपल क्लिक किया, उसके बाद मैं अलर्ट को क्लिक करूंगा। अलर्ट क्लिक करने के बाद अगर मैं ऊपर लेकर जाना चाहता हूं तो मैं अपर एरो का यूज करूंगा, तो अपर एरो से ये देखो ये ऊपर आ गया। अगर नीचे लेकर जाना चाहता हूं तो मैं डाउन एरो को यूज करूंगा, ठीक है, अब ये नीचे आ जाएगा। तो ऐसे ही आप इसको लेकर जा सकते हैं। अगर मैं इन दोनों को नीचे लेकर जाना चाहता हूं, सबसे पहले मैं इन दोनों को सिलेक्ट करूंगा, उसके बाद मैं अलर्ट क्लिक करूंगा, और जैसे ही मैं डाउन एरो दबाऊंगा तो ये देखना नीचे आ गया, अपर एरो दबाऊंगा तो ये ऊपर चला जाएगा। ऐसे ही अगर मैं यहां पर H1 को नीचे कॉपी पेस्ट करना चाहता हूं, सेम यही लाइन मुझे नीचे चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, मैं सिंपल यहां पर शिफ्ट अल्ट क्लिक करूंगा और मैं डाउन एरो को क्लिक करूंगा, तो ये देखो सेम ऐसे ही हमारे पास नीचे आ गया। अब मैं इसमें चेंजेस कर सकता हूं, कुछ और ऐड कर सकता हूं, जैसे मैंने यहां पर ऐड कर दिया हेडिंग 2, ठीक है, तो यहां पर भी हेडिंग 2 कर देते हैं, हेडिंग 2 सेव किया, तो ये देखो रिफ्रेश करते हैं, ओके, तो ये देखो। अब हम यहां पर एक्सटेंशन को देख लेते हैं। तो अब मैं यहां पर एक्सटेंशन को देखने के लिए कहां पर जाऊंगा, ये वाला जो आइकन है यहां पर जो लिखा गया एक्सटेंशन, आप कंट्रोल शिफ्ट और एक्स का भी यूज कर सकते हैं। मैं सिंपल इस आइकन को क्लिक करता हूं, तो ये देखो यहां पर बहुत सारी एक्सटेंशन होती हैं, हम जब भी काम करते हैं अलग अलग एक्सटेंशन को हम यहां पर इंस्टॉल करते रहते हैं। मैं सिंपल यहां पर सर्च करता हूं लाइव सर्वर, तो जैसे मैंने लाइव सर्वर यहां पर लाइव करना है, आर क्यों आ गया, लाइव सर्वर, ठीक है, लाइव सर्वर सर्च किया, ये देखो ये आ गया लाइव सर्वर। अब मैं इसको क्लिक करूंगा, मैंने पहले से ही इंस्टॉल की हुई है, डाउनलोड की हुई है, आप यहां पर इसको इंस्टॉल कर लेना। तो लाइव सर्वर होता क्या है, तो जैसे ये देखो, तो अगर आपने मेरी HTML वाली वीडियोस देखी हैं तो आपको पता होगा कि लाइव सर्वर का क्या यूज होता है, बट हम मैं फिर भी आपको ये बता देता हूं। जब ये देखो जैसे मैं ब्राउजर पर जाता हूं, तो अगर मैं यहां पर कुछ भी चेंज करता हूं तो मुझे बार बार रिफ्रेश करना होता है, ये देखो ठीक है, बार बार रिफ्रेश करना होता है। अगर मैं यहां पर टेक्स्ट चेंज करना चाहता हूं, कोडिंग में दमन कीर्ति की जगह मैं यहां पर करना चाहता हूं हेडिंग 1, तो सेव करता हूं, तो ये देखो चेंज नहीं हो रहा, ठीक है, मुझको चेंज करने के लिए इसको रिफ्रेश करना होगा, ठीक है, तो ये देखो फिर चेंज हो रहा है। बट अगर मैं यहां पर लाइव सर्वर को इंस्टॉल करूंगा, ये जो लाइव सर्वर मैंने आपको बताया, अगर मैं इसको इंस्टॉल कर देता हूं, ठीक है, अगर आपका जो इंस्टॉल हो जाएगा सही से यहां पर, तो आप क्या कर सकते हैं, सिंपल आपको HTML में राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक करने के बाद आपके पास ये ऑप्शन आ जाएगा ओपन विद लाइव सर्वर। तो जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो अब आपका पेज एक लाइव सर्वर में कन्वर्ट हो जाएगा, पहले सिंपल था ये देखना। तो अब यहां पर ये देखो ये कहां से आ रहा है, ये आ रहा है फाइल सी के अंदर यूजर हेलो में, यानी कि ये पाथ है इसका। बट अगर आप लाइव सर्वर को सिलेक्ट कर लेंगे, लाइव सर्वर में ओपन करेंगे अपना पेज, तो आपका ये ऐसे दिखेगा, इसका IP एड्रेस अब ये हो जाएगा, ठीक है, ओके करो, तब देखना। अब अगर मैं यहां पर कुछ भी चेंज करूंगा, मैं सबसे पहले अलर्ट को हटा देता हूं क्योंकि बार बार अलर्ट आ जाता है। तो अब अगर मैं यहां पर कुछ भी चेंज करूंगा, यहां पर मैं हेडिंग कर देता हूं, कितनी कर दूं, 3 कर देता हूं, वैसी ऐसी सेव किया, आप देखना ब्राउजर में गए तो ये देखो अपने आप चेंज हो गया, ठीक है। अगर मैं इन दोनों को ऊपर ले जाऊं, ऊपर शिफ्ट कर दूं, सेव करूं, आप देखना सेव करते ही अपने आप चेंज हो जाएगा, है ना, इजी। पहले क्या था, लाइव सर्वर के यूज के बिना हम बार बार उस पेज को रिफ्रेश करते थे, बार बार रिफ्रेश करना पड़ता था, बट जैसे ही मैंने यहां पर VS कोड में लाइव सर्वर को इंस्टॉल किया, तब आपका ये अपने आप ही चेंज होते जाते हैं। आप जो भी चेंजेस यहां पर करेंगे, चेंजेस करने के बाद आप जैसे ही सेव करेंगे, अपने आप यहां पर चेंजेस आ जाएंगे, ठीक है, अब देखना
चेंज टेक्स्ट जावास्क्रिप्ट, चेंज कलर, ये देखो कलर चेंज हो गया। तो अब आपको क्या करना है, आपको सिंपल एक हेडिंग या फिर एक पैराग्राफ बनाना है, उसके बाद आपने दो बटन बनाने हैं, एक बटन पर जब आप क्लिक करें तो वो शो होए और दूसरे बटन पर जब क्लिक करें तो वो हाइड हो जाए, जो टेक्स्ट आपने पैराग्राफ या फिर हेडिंग आपने बनाई होगी। सिंपल आपने इतना काम करना है। ये सब करके मुझको आप इंस्टाग्राम पर या फिर फेसबुक पर सेंड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन पर आपको लिंक मिल जाएगा। अगर कुछ भी प्रॉब्लम होगी, कुछ भी समझ ना आई होगी, तो मैं जरूर आपकी प्रॉब्लम को सोल्व करूंगा। तो ये आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज है, कुछ ज्यादा नहीं है, सिंपल आपका इतना काम है, आपको शो और हाइड करना है टेक्स्ट को बटन को क्लिक करते वक्त। आगे हम बहुत ही डिटेल में हर एक चीज को देखेंगे, हर एक जावास्क्रिप्ट के टॉपिक को हम बहुत ही डिटेल में देखेंगे। इस वीडियो में मैंने ये जो किया टेक्स्ट चेंज और जो मैंने फंक्शन लगाए, ये सिंपल मैंने इसलिए किए ताकि आपको पता चल सके कि जावास्क्रिप्ट में कैसे काम किया जाता है। इस वीडियो में हमने जावास्क्रिप्ट के बेसिक पॉइंट्स को क्लियर किया, हमने देखा कि कैसे वीएस कोड को डाउनलोड किया जाता है और कैसे एचटीएमएल में जावास्क्रिप्ट को इंप्लीमेंट किया जाता है। तो अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी समझ ना आए हो या फिर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझको नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। चलो मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम जावास्क्रिप्ट के वेरिएबल्स को देखेंगे।